हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है, परंतु वियोगी के हृदय में विरह की वेदना को भड़का देता है। वन नदी नाले सरोवर है सभी मनहर बने, वृक्ष पत्ते फूल नित्से है नए सुंदर बने, मोर सारस मीन दादुर मग्न है रसधार में, एक वियोगी ही अकेला रो रहा संसार में, रो रहा संसार में। आप ठीक कहते हैं भैया, माता जी भी इसी तरह आपके वियोग में अश्रु धारा बहा रही होंगी। यथार्थ है लक्ष्मण, बिछो रूपी वज्र जिस हृदय पर गिरता है उसी को चूर चूर कर देता है। विरह की वेदना जड़ जीव सबके प्राण हरती है, जहां गिरती है ये बिजली वही विध्वंस करती है। भैया आपके बिना पूछे कुछ कहूं? हाँ लक्ष्मण कहो भैया। भैया आप जैसा पुरुष संकट के समय में इतना अधीर हो रहा है, ये कहां की शोभा है भैया? लक्ष्मण भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है, इसलिए कहता हूं यदि एक बार जानकी की सूचना पाऊं तो काल को भी जीत कर आपत्ति से निकाल पाऊं। ठीक कहते हो भैया, परंतु भैया पहले आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस कपटी वानर राज सुग्रीव को ठिकाने लगा दूंगा। क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है लक्ष्मण? हाँ भैया, उसने हमारी मित्रता का विश्वासघात किया है। नहीं लक्ष्मण, भाई जिसे एक बार अपना मित्र बना लो भूल कर भी उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। फिर हमने ही उसे वर्षा ऋतु तक रोक दिया था, अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ ही हुआ है भैया। नहीं भैया। अच्छा लक्ष्मण, यदि तुम नहीं मानते तो चले जाओ और कुछ भय दिखाकर उसे अपने साथ लिवा लाओ। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और यात्री भी अपने मार्ग पर आने जाने लगे हैं, परंतु प्रभु राम को जो वचन आपने दिया था क्या वो भी याद है? ओह, भूल गया, ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। इस विषय भोग ने तो मेरे सारे ज्ञान को ही हर लिया है। महाराज आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुधि है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं, इसीलिए अच्छा तो यही है अपना कर्तव्य निभा दे हम, वो हमें राजपद दिला चुके सीता से उन्हें मिला दे हम। है राजनीति के चार अंग ये बात जानते हैं स्वामी, सब साम दाम कुछ दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी, है साम मैत्री दान दान तो दंड भला दबाना है,
सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आप में मेल किया, फिर बाली राज दिलवाया है। महाराज 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 महाराज, लक्ष्मण जी क्रोधित हुए इधर ही आ रहे हैं। क्या कहा, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर आ रहे हैं? हे हनुमान जी, आप शीघ्र जाइए और विनय याचना करके लखनलाल जी को ले आइए। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? हे लखनलाल जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। विषय भोग के समान दूसरा कोई मद नहीं होता, ये क्षण भर में मुनियों के हृदय में मोह उत्पन्न कर देता है और बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान हर लेता है। हे नाथ, आप तो दयावान हैं, मेरे अपराध पर ध्यान ना दीजिए और मुझे प्रभु श्री राम की शरण में ले चलिए। तो चलो, चलिए प्रभु, चलिए। नाई चरण सिरो कह कर जोरी, त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ प्रभु, त्राहि माँ, त्राहि माँ, त्राहि माँ प्रभु। हे नाथ, आपकी माया का कौन पार पा सकता है? जब मुनि और मनुष्य इसके बस में है तो मैं तो पशु हूँ प्रभु, और पशुओं में भी अत्यंत कामी वानर। हे रघुनाथ जी, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हे सुग्रीव, तुम मुझे भरत, हे सुग्रीव जी, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, परंतु अब वही यत्न करो कि जानकी का शीघ्र से शीघ्र पता चल सके। जो आ गया प्रभु। हे वानरों, प्रभु श्री राम का कार्य है और मेरी आज्ञा है कि तुम चारों दिशाओं में जाओ और जानकी जी का पता लगाओ। हनुमान जी, अंगद जी, नल नील और जामवत जी, आप दक्षिण दिशा की ओर चले जाइए, जिस ओर वो राक्षस जानकी जी को ले जा रहा था। परंतु आप सब याद रखिए, यदि आप सब एक मास तक माता जानकी की सुधि न ले पाए तो मैं आप सबका वध कर दूंगा। चलो भाइयों, चलो।